नए साल का आगाज होते ही जहां मौसम में आई तब्दीली के कारण कोहरे ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर रह चुका है। और अचानक मौसम में आई तब्दीली के कारण जहां लोगों को एक से दूसरे शहरों में आना जाना काफी मुश्किल हो चुका है, वहीं सड़कों पर कुछ भी ना दिखाई देने के कारण एक घंटे का सफर 2 से 3 घंटे में तय करना पड़ रहा है। आज सफर कर रहा सी ते धुंद बहुत ही ज़्यादा है, इस करके लोगों नू सावधान रहना चाहिए। बाकी पीड़ियाँ लाइटा लेजर लाइटा गड्डिया तो लगाई होना वाधा बहुत है। बाकी सफ़र बहुत औखा किया है, घट तो घट 100 किलोमीटर से अच्छ सफ़र कर रहे थे, सानू 7 तो 8 घंटे लग गए। 3 दिन हो गए जी हमने तक, मतलब धुंद नहीं खुल रही, जिंद करके सू फोक लाइट लवानिया पै रही ने। आदि 400 रुपये लगते हैं, एक चाइनीज़ भी है, एक दूजे भी है, ये मतलब अपने इंडियन है जीडिया लवाई ने, एक वाइट आती चाइनीज़ हैगी है, जी येलो हैगी अपने इतों की है, मतलब ठीक है। तो चाइनीज़ होंगी 120-130 रुपये की मिल जाती, मगर जी इंडियन हैगी 400 का खर्चा है। कहते धुंद में बहुत पाड़ दी, घट तो घट 300 मीटर तक पाड़ दी है धुंद। पिंडा तो शहर आने काम कार करने वास्ते साढ़े लिए बहुत ज़्यादा औखा हो गया, क्योंकि व्हीकल चलते नहीं, हाथ पैर साढ़े जम जाते हैं, जिंदे नाल मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, कई बार सर्दी भी लग जाती है। पर इदा है जी, सरकार की कोई सुविधा नहीं, सानू काम तो आना ही पैंदा डेली, तो चल आना ही पैंदी बाइक वगैरह से सानू आना पैंदा जी। तो जिवें धुंद है बहुत ज़्यादा, 3-4 दिनों तो वध चुकी है। फाजिलका से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।